बिहार के मुंगेर जिले में अपराधियों ने महिला सरपंच और उनके समर्थकों पर किया जानलेवा हमला। मुंगेर के परिया पंचायत के बरियारपुर हॉल्ट के समीप किसी मामले को लेकर लगाई गई थी पंचायत पुलिस, मौके पर पहुंचकर कर रही है जांच। तीन दिन से लापता युवक का शव वैशाली के मल्लिकपुर इलाके के खेत से हुआ बरामद। स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर चेक पोस्ट स्थित स्टेट हाईवे को किया जाम। मृत युवक की पहचान पटना सिटी के मालसलानी थाना क्षेत्र के रिकावगंज इलाके के नीतीश कुमार के रूप में की गई है। मृत युवक के परिजनों ने उनके दोस्त पर गला दाबकर हत्या करने का लगाया आरोप, पुलिस मामले की कर रही जांच। कटिहार में एक ही परिवार के 8 लोगों पर हुआ एसिड अटैक, 4 बच्चे बुरी तरह से झुलसे। घटना में एसिड अटैक से झुलसे सभी बच्चे को आसपास के लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती, सभी बच्चे खतरे से बाहर। घटना कटिहार समेली प्रखंड के मुरादपुर पंचायत ठाकुर बारी टोला की है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंचकर कर रही है जांच। बच्चा तीजा पड़ा है, चार बच्चा तीजा पड़ा है, बच्चा मेरा सो के उठाने चला गया उसी झगड़ा देखने के लिए, अपना परिवार में झगड़ा हो रहा था, गया देखने के लिए, बच्चा को हमको तीजा बुझा दिया, वही न लग जानेगा, हम लोग क्या जानेंगे। मेरा नाम रूबी देवी है, चलो बात बिहार के बेगूसराय जिले में आलू की खेती से नुकसान लगने से किसानों का गुस्सा फूटा। किसानों ने बछवाड़ा प्रखंड के झमटिया ढाला के समीप NH-28 पर आलू को फेंक कर अपने गुस्से का किया इजहार। किसानों ने कहा कि इस साल आलू की खेती से उनकी लागत पूंजी पूरी तरह से डूब चुकी है। मुंगेर में अवैध तरीके से तैयार किए गए हथियारों के साथ पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मुंगेर जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर के बरदह गांव में पुलिस ने छापेमारी कर हथियार तस्कर मोहम्मद सज्जाद उर्फ कनकटवा को किया गिरफ्तार। हथियार तस्कर के पास से पिस्तल, मैगजीन एवं कारतूस किया गया बरामद, जबकि 2 हथियार तस्कर भागने में रहा सफल। एक इन्फॉर्मेशन मिला और इन्फॉर्मेशन पे हमारे SP मुंगेर साहब के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व और DIU टीम के नेतृत्व में मिर्जापुर बरदा गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी करने के क्रम में एक लड़का सज्जाद पकड़ा गया। सज्जाद के साथ उस समय 2 आदमी और थे, वह वहाँ से निकल के भागने में सफल रहे। जब सज्जाद से पूछताछ की गई तो उसने कन्फेशन में बताया कि भाई उसके पास वो पिस्टल का कारोबारी है, पिस्टल का मैन्युफैक्चरिंग करता भी है वो, तो उसके निशानदेही पे उसके घर से बाहर में घुसावल रखा था। तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले की अफवाह फैलाने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने 4 आरोपितों में से 3 आरोपितों को किया गिरफ्तार। अधिकारी की पत्नी ने बताया कि डकैतों ने कई जेवरात सहित 6,000 रुपया, 4 मोबाइल फोन लेकर हुए फरार, जिसमें एक सरकारी फोन भी है शामिल।